हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर ट्यूटर्स। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा और आज के नए टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं पावर इन डीसी सर्किट। देखिए ये वीडियो लेक्चर नंबर अल्टरनेटिव करंट का 06 है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एसी सर्किट में पावर कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली पावर आप जानते हो, पावर क्या होता है, P=VI। तो इस P=VI एसी सर्किट के लिए कैसे जनरेट होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, डेरिवेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा पावर फैक्टर LCR के लिए कैसे होता है, पावर फैक्टर सीरीज के मतलब LC कॉम्बिनेशन के लिए कैसे है, LR के लिए कैसे है, प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के लिए भी कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जब बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन कंप्लीट देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखो यहाँ पे P=VI, बेसिकली पावर का फॉर्मूला पता होगा सबको, P=2 क्या होता है, VI। अच्छा, तो पावर को यहाँ पे हम बेसिकली दो टाइप से डिवाइड करेंगे। एक तो हम P निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पे, जैसे आपने याद करो क्लास 11th में वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालते थे ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ऐसे ही इंस्टेंटेनियस और दूसरा एवरेज, ऐसे दो टाइप के हम पावर को कैलकुलेट यहाँ पे करने वाले हैं। तो फिलहाल P=VI, और आपको शायद पता हो VT के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन होती थी कितना, V0 sin ωt, और जो IT के रिस्पेक्ट में इक्वेशन होता था वो होता था V0 I0 sin ωt + φ। ये फाई क्या है, फाई इज द फेज डिफरेंस, पढ़ा होगा शायद, फाई क्या है, फेज डिफरेंस, मैंने पहले लेक्चर से बता रखे हैं आपको। यार फाई कभी इन फेज, देखो याद करो तो जब हमने कॉम्बिनेशन सर्किट थ्योरी पढ़ी थी क्लास आई थिंक लेक्चर नंबर 3, ठीक है डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप देखना तो आप देख सकते हो, लेक्चर नंबर 3 पढ़ी थी सर्किट थ्योरी, वहाँ पे मैंने बताया था रेजिस्टेंस, जब क्या होता है कि रेजिस्टेंस केस से पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज और करंट कैसे सेम फेज में होते हैं, और किस केस में, इंडक्टर केस में, दोनों में क्या होता है 90 का डिफरेंस होता है। तो वही सब जब फेज का डिफरेंस था ना, वही फेज डिफरेंस डिनोट करता है भाई, बेसिकली ये बातें हैं। अच्छा, P=VI करेंगे तो PT के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन निकालेंगे, तो VT डॉट में I का T, बस ये फॉर्मूला यहाँ पे रखा T के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो PT निकालना है अगर हमें, तो VT के लिए वैल्यू कितनी है, देखो V0 sin ωt, और IT के लिए वैल्यू कितनी है, I0 sin ωt + φ। ठीक है, तो I0 ωt + φ, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज इंस्टेंटेनियस पावर। क्या है ये, आप ऐसा बोल सकते हो P instantaneous = V0, ठीक है, V0 sin ωt और साथ में I0 sin ωt + φ। लेकिन जो हमें बेसिक समझना है ना, वो हमें जो निकालना है वो है एवरेज पावर। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, वो जो फेमस है, या ऐसा बोल सकते हो जो एवरेज पावर निकालने को जाता पूछता है, तो ये तो ठीक है इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालते हैं, हमने निकाला V0 sin ωt, I0 sin ωt + φ, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर। एवरेज पावर का मतलब हमें क्या कर देना होगा, एवरेज, याद है ऐसे सिंबल से नोट करते थे हम एवरेज को, तो ऐसे हम डिनोट करेंगे और ऐसे एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ तक नोट करो, थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है और इतने में हमारा आएगा नहीं, तो नोट करो इतना, जो फिर हम रफ करें। ठीक है, रफ करें, बोलो, ये लाइन नहीं रफ करेंगे, बाकी सब रफ करेंगे। ठीक है, ओके, देखो अब यहाँ पे हमें जो पावर निकालना क्या है, पी एवरेज, क्या कैलकुलेट करना है हमें, वी हैव टू कैलकुलेट पी का एवरेज। तो पी का एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो पी का एवरेज दैट इज इक्वल्स टू पी का जो ये इंस्टेंटेनियस पावर है, या ऐसे बोल दो जो पी हम टी के रिस्पेक्ट में निकाले थे, उसका क्या कर दो, एवरेज कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ये निकाली V0 sin ωt, I0 sin ωt + φ। ठीक है, ओके, तो अब ये इक्वेशन का, इस हमें अगर पी एवरेज निकालना है, तो हमें पी एवरेज जब निकालेंगे तब क्या करेंगे, इस पी टी का क्या कर देना है, एवरेज, क्या कर देना है, इस पी टी का क्या कर देना है, एवरेज। तो पी टी का एवरेज निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जैसा है वैसे वैसे रख दो, sin ωt, I0 sin ωt + φ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे sin ωt + φ, यानी कि sin A + B कुछ ऐसा दिख रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है क्लास 11 मैथ्स के अंदर हमने पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ा है तो देखो, sin A + B कौन सा होता है, sin A cos B + cos A sin B, क्या कि sin A cos B + cos A sin B। तो यहाँ पे इसको रखेंगे, देखो यहाँ पे रख देते हैं, तो V0 sin ωt, I0, इस पूरे को ओपन करो, इस पूरे को ओपन करेंगे तो साइन ए, यानी कि sin ωt, बाद में cos φ, sin A cos B, देखो ये ए है ये बी है, तो sin A cos B + cos A sin B।
ठीक है, क्लियर हुआ होगा शायद, आ गया समझ में क्या? ओके, अब जो सब मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे हम इन इस पूरे को क्या कर देते हैं, पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं बारी बारी से एक एक साथ। तो पहले वाला क्या हुआ, वी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट, ये पूरा है तो साइन ओमेगा टी साथ में कॉस फाई करेंगे प्लस, देखो इस पूरे का मल्टीप्लाई किया इसके साथ एक बार, और पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे इस बार इसके साथ। तो यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी नॉट थोड़ा गंदा हो गया, मिटा लेते हैं। ओके, यहाँ देखो वी नॉट आई नॉट, वी नॉट आई नॉट बाद में साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साथ में साइन का फाई, बोलो यहाँ तक क्लियर है? कुछ खास स्टेप नहीं है, आसानी है सब कुछ, जस्ट इसका मल्टीप्लाई और इसके पूरे के साथ कर दिया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ पूरे के साथ कर दिया। अच्छा ठीक है, अब देखो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? पहले तो इसको थोड़ा और ब्रेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो दो बार है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साथ में कॉस फाई प्लस, यहाँ भी ऐसे ही वी नॉट आई नॉट वी नॉट आई नॉट, यहाँ पे देखो कुछ कॉमन नहीं था, मैं इसको उसको हमें तो यहाँ पे ये दोनों साथ में इनको इसको इधर ले लेते हैं साइन फाई। देखो मल्टीप्लाई है कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई है कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो ऐसे अरेंज कर लिया। अब देखो यहाँ पे एक फ़ायदा होने वाला, यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रहा है, ये देखो ये क्या है, अब पेन चेंज करते हैं, ये देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है। एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं साइन टू थीटा इक्वल्स टू होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो थोड़ी बहुत बेटर बच्चों ट्रिग्नोमेट्री है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इसमें, ठीक है थोड़ा बहुत लगाएगा, थोड़ा बहुत लगता है तो आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 से डिवाइड कर दें तो कोई तकलीफ है आपको भाई? अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे देखो ये बन गया क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन रहा है, ये पूरा ये कैसा बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो हम ऐसे लिखेंगे वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई साथ में वी नॉट आई नॉट, यहाँ पे साइन फाई वैसे रहने दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2, बोलो यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ बताइए। एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, कुछ खास नहीं है, जस्ट स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक भी स्टेप ऐसा ब्लिंक नहीं कर दूँ गायब हो जाए ऐसा क्या हो गया ऐसा। तो अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा ऊपर का मिटाऊंगा, यहाँ मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो एक बार, ले लिया 1, 2 एंड 3। ओके स्क्रीन शॉट ले लेने के बाद अब हम बात करते हैं इसके बाद आगे, आगे देखो यहाँ पे इन दोनों में वी नॉट आई नॉट कॉमन दिख रहा है आपको, वी नॉट आई नॉट कॉमन दिख रहा है तो हम इसमें से वी नॉट आई नॉट को कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस, इस जगह क्या बचा, इस जगह क्या बचा कि साइन फाई साइन टू थीटा टू सॉरी थीटा नहीं होगा यहाँ पे सॉरी वेरी सॉरी यहाँ थीटा ओमेगा टी है ना, तो यहाँ ओमेगा टी होगा तो 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अच्छा अब देखो एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, जब हमने एलसी जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब आप हम लोग आईआरएमएस वीआरएमएस पढ़ रहे थे तो हमें आपको एक शॉर्टकट बताया था, क्या शॉर्टकट बताया था याद है क्या? कुछ शॉर्टकट बताया देखो मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार शायद, और वो शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी न्यूमेरिकल करने जाओगे तो सारे शॉर्टकट आपको याद है तो आप बहुत ईजी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है क्या बताया था, एक बताया था साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू होती है और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू, तो आपको मैंने याद करवाया था, बताओ याद करो कितनी होती है तो यहाँ बताया था मैंने ये जो वैल्यू होती है ओमेगा टी की वैल्यू साइन ओमेगा टी की वैल्यू होती है, ठीक है साइन ओमेगा टी की वैल्यू होती है 1/2 कॉस ओमेगा टी की 1/2 ये 0 और ये 0 ऐसा बताया था मैंने। साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है 1/2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू भी कितनी होती है 0 होती है। अब देखो यहाँ ठीक है सारी वैल्यू रखो रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कैसे रखेंगे, ये हमारे पास ये ऐसे है ना, ओके एवरेज निकालना है तो यहाँ से वी नॉट आई नॉट, अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 1/2 तो यहाँ 1/2 रखा, कॉस फाई की वैल्यू पता नहीं तो कॉस फाई को ऐसे रखो। अच्छा ओमेगा टी की वैल्यू देखो कितनी है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, जब 0 रखा तो कंप्लीट क्या हुआ, कंप्लीट क्या हो गया 0 हो गया, काम आसान हो गया हमारा भाई, कंप्लीट सॉल्व हो गया 0 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे मिटाते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो
पीछे जाके नोट कर लें। अब यहाँ पे देखो सब हो गया, तो यहाँ पे एवरेज है वी नॉट आई नॉट कॉस फाई और साथ में अपॉन टू, बोल सकते हैं सब मल्टीप्लाई में है। अच्छा अब क्या करें, अब देखो इस टू को हम ऐसा लिख सकते हैं रूट ए, याद करो मैथ्स में पढ़ा हुआ रूट ए, रूट ए कितना होता है, ए के बराबर होता है, या ऐसे बोलो टू है टू को मैं रूट टू इंटू रूट टू बोल सकता हूँ ना, टू को हम क्या बोल सकते हैं, टू को रूट टू बोल सकते हैं क्योंकि रूट टू का स्क्वायर क्या होता है देखो टू होता है, तो टू को हम रूट टू बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से वी नॉट बाई रूट टू लिखेंगे साथ में मल्टीप्लाई आई नॉट बाई रूट टू लिखेंगे और साथ में कॉस का फाई लिखेंगे, बोलो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं साथ में ये क्या है एवरेज लगा है। तो यहाँ पे अब देखो बस आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ ठीक है, देखो डेरिवेशन कंप्लीट, वी नॉट बाई रूट टू को क्या बोलते हैं वी आर एम एस, आई नॉट बाई रूट टू को बोलते हैं आई आर एम एस और कॉस फाइव ऐसा का वैसा, एंड दैट इज योर पी एवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पी आर एम एस वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई एंड दिस कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, क्या बोला जाता है इसको पावर फैक्टर, और बोर्ड्स में 100% 101% एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है एमसीक्यू के अंदर ठीक है, कॉस फाई से पावर फैक्टर मैं बताऊंगा कैसे करना है। फिलहाल डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर इन एसी सर्किट पी एवरेज इक्वल्स टू पावर एवरेज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, फॉर्मूला याद होना चाहिए पी इक्वल्स टू पी आर पावर एवरेज इक्वल्स टू पी एवरेज इक्वल्स टू पी आर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, याद करना जरूरी है, तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई ये भी याद कर सकते हो, अगर वैल्यू पीक की वैल्यू फॉर्म में दिया है तो आपको वी नॉट बाई रूट टू, ये क्या है पीक वोल्टेज, ये क्या है पीक करंट, पीक करंट के अगर कंसेप्ट में दे रखा न्यूमेरिकल तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, बाकी अगर ऐसे दिया है तो ऐसे रखना है ठीक है। तो पावर फैक्टर की बात कर लें, नोट करो इतना, फिर बात करें हम पावर फैक्टर की, नोट करो इतना बात करें पावर फैक्टर की ठीक है, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बात करें पावर फैक्टर की, ओके डन ओके। अब देखो यहाँ पे पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं, फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया पी आर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस हाई होता है, और अब इस पे अलग अलग के लिए कैसे कैसे बदलती है वैल्यू वो आपको जानना होगा। अब देखो हमें देखा कि भाई पी जो एवरेज है वो है हमारा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस का फाई, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस का फाई। अच्छा अब देखो थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, देखो हम प्योर रेजिस्टेंस की बात करो, प्योर आर की जो आर की सर्किट थी प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस वाले सर्किट में अगर हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, करंट और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन था, तो आई थिंक जब हमारे पास प्योर रजिस्टर केस था, याद करो जब प्योर रजिस्टर था तो कैसा सेम फेज में थे दोनों, सेम फेज में थे मतलब क्या है इनके दोनों के बीच में जो एंगल था कैसा था, जीरो था, सेम फेज में थे इसका मतलब क्या है एंगल जीरो था। अच्छा प्योर इंडक्टर की बात करें तो 90 का डिफरेंस, मतलब 90 क्या करता था लीड करता था, तो यहाँ पे 90 लिख लेते हैं, दोनों के बीच बस रिलेशन लिखना है प्लस माइनस नहीं। प्योर कैपेसिटर की बात करें तो भी इस केस में 90 था, उसके बाद आपके पास सीरीज क्या था एल आर था और बाद में सीरीज सी आर था, ये दो सर्किट थे। एल आर में क्या था, एल आर में के अंदर भी क्या था कि याद करो फाई होता था और यहाँ भी फाई होता था, याद है सब ये सब चीज़ें याद है, नहीं याद है प्लीज़ वीडियो पीछे वाले देखें आप। अच्छा तो यहाँ पे देखो कॉस फाई पावर फैक्टर क्या है, कॉस फाई पावर फैक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस फाई तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, बोलो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन होती है, तो किस केस में प्योर रजिस्टर के केस में जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है कितनी होती है वन होती है। एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकता है द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू फॉर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर फैक्टर फॉर प्योर रजिस्टर केस, तो क्या होना वन होना चाहिए। प्योर इंडक्टर के केस में कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, ये भी जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा, और फाई के केस में क्या होगा देखो थोड़ा डायग्राम याद करो, डायग्राम कुछ ऐसा था, ये होता था हमारा एक्सएल, ये होता था हमारा आर और यहाँ हमारा होता था जेड, याद है ऐसा कुछ डायग्राम होता था, यहाँ से हम टैन फाई निकालते थे, यहाँ से देखो फाई क्या होगा, अगर ये समझो फाई है एंगल तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक कॉस फाई बोलो, यहाँ कॉस फाई निकाल देना,
cos phi का फॉर्मूला क्या, ठीक है cos phi क्या होता है, देखो यहाँ cos phi निकालना ना, तो cos phi की वैल्यू क्या हो, cos होता क्या है बेस बाई हाइपोटेनस होता ना भाई बेस, तो बेस कितना है, देखो बेस ये है, हाइपोटेनस कौन सा ये, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं r बाई जेड, और यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होती थी याद करो, एक्सएल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर जेड होता था प्लस एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता था जेड। ऐसे ही किस केस की बात है ये एल आर की बात थी, ऐसे ही हम बात करें सी आर के केस में, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे वही हमारा आर, यहाँ पे आपकी बार हो जाएगा एक्ससी, ये नीचे बनता था, नीचे बना लेते हैं, ऐसे होगा डायग्राम, ये होता था आर, ये होता था एक्ससी, और जेड यहाँ पे होगा, और यहाँ के लिए भी, इसके लिए भी अगर ये फाई था तो कॉस फाई इक्वल्स टू पर बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना आर और हाइपोटेनस कितना है जेड, तो यहाँ भी आर बाई जेड होगा, और इसलिए जो जेड की वैल्यू होती थी वो कितनी है एक्ससी प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट, क्या एक्ससी प्लस आर स्क्वायर, एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये अगर सीरीज एल आर और सीरीज सी आर के बारे में आएगा तो आपको आर बाई जेड कर देना है, जेड क्या है एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे जेड क्या है एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। प्योर रेजिस्टर कैपेसिटर केस में 90 है तो 0 होगा, इसमें 90 है तो 0 होगा, यहाँ 0 है इसलिए 1 होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करें, यहीं पे होता है हमारा चैप्टर ये वाला पावर फैक्टर कंप्लीट। देखिए तो एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक चोक कॉइल, चोक कॉइल के बारे में पूछ लिया जाता है, बुक में दिया भी है, चोक कॉइल क्या होता है, देखो जैसे ट्यूबलाइट आपने देखी है, ट्यूबलाइट के अंदर पीछे ऐसा बड़ा सा पहले लगता था, अब तो LED आ गई है, पहले जो बड़े मोटे वाले ट्यूबलाइट होते थे याद करो तो यहाँ पे ऐसे ट्यूबलाइट जब लगा होता था ऐसा, यहाँ पे ऐसा मोटा सा ऐसा चोक सा ऐसा बहुत भारी सा वजन सा 5-10 किलो का रहता था ना, एक कभी निकाला आपने, बहुत वजन होता है, तो ये जो होता है ना इसको चोक बोलते हैं, एक्चुअली इसका जो पूरा प्रॉपर नाम है चोक कॉइल, चोक कॉइल है। तो ये है क्या, देखो अगर इन इंडिया की बात करें, इन इंडिया मेनी प्लेसेस, मेनी अदर प्लेसेस इन इंडिया, मेनी अदर प्लेसेस वेयर 220 वोल्ट सप्लाई प्रेजेंट है भाई, इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे 220 वोल्ट प्रेजेंट है, और बहुत सारे डिवाइसेस, मेनी डिवाइसेस, डिवाइसेस स्पेशली लाइक ट्यूबलाइट ही है, ट्यूबलाइट की बात करें स्पेशली, तो वो इतना वोल्टेज सस्टेन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मेनी डिवाइसेस लाइक ट्यूबलाइट cannot sustain this much of voltage, इतना voltage क्या करता है वो sustain नहीं कर पाता, नहीं झेल पाता है, तो उसको overcome करने के लिए, to overcome this we use choke coil, इसको use कर, इसको overcome करने के लिए, इस voltage को drop कराने के लिए, गिराने के लिए हम क्या use करते हैं, choke coil का use करते हैं, हालांकि यहाँ पे हम resistance use कर सकते हैं, we can use resistor also, but resistor loss of power, क्या करता है बहुत सारे पावर का लॉस आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है हीट के फॉर्म में, तो ये चोक कॉइल है, चोक कॉइल का बेसिकली वर्क क्या है कि वोल्टेज का ड्रॉप कराता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लो, ये भी कहीं मान लो दो नंबर पे कहीं पूछ ले, आपको नॉलेज में होना चाहिए चोक कॉइल क्या होता है, ओके। सो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।